तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और 2:30 बजे हमारा रुद्र जगा हुआ है। अब्बा अब्बा कर रहा है, अब्बा 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 ऐसे कर रहा है, रोबा लगो जोर जोर। अच्छा पापा, अब्बा अच्छा, अब्बा अच्छा, अब्बा अच्छा। ये क्या मतलब, कई बार ना बीच में उठ चुका है जब से सोया है, और मतलब 2 बार उठ चुका है, 2 बार ऐसे तेज तेज चिल्ला चिल्ला के होया, फिर हमने सुला दिया था। बट इस बार तो ये कुछ ज़्यादा ही रोया, अभी 1 घंटे बाद फिर से उठा और तेज तेज रोए गया। मैंने खूब अपना फीड कराने की कोशिश की तो दूध भी नहीं पी रहा, और रोए जाए शायद पेट दर्द हो रहा था पता नहीं क्या। फिर उसको गोदी में लिया और पता चिल्ला भी, मतलब पूरा चिल्ला रहा, भयंकर चिल्ला चिल्ला के रो रहा, या तो बुरा सपना देखा पता नहीं। गोदी में लेके घूम ली तो भी चुप नहीं हो रहा। फिर मैंने इसको अभी वो जो कॉलेज आती है ना पेट दर्द की दवाई, वो दी और इसको जगाया मैंने नींद से, तब अब थोड़ा सही हुआ है। ऐसे इसने पहले भी एक बार किया था, तो फिर हमने इसको जगा के फिर सुलाया, तब सो जाता आराम से। हम अपने पापा के साथ खेल रहे हैं 2:30 बजे, और रिद्धि सो रही, इसलिए हमने इसको फटाफट चुप कराया ताकि रिद्धि ना उठ जाए। दो को वो भी दुख हुआ है एक जाग जाए तो इन्हें रोबा बन जाए, नहीं तो दूसरा उठ जाए। अरविंद देखो, अच्छा आप इतनी बातें मत करो, इससे पूरा ही खेल में लग जाएगा ये। फिर आप ही बैठे रहे ना, 3 तो बज रहे, 2:30 बज रहे, 3 बजने वाले हैं। रिद्धि सो रही है, सो जाओ। ये से लाते मार मार के पता नहीं क्या सीखा है खेलना। हेलो एवरीवन, खम्मा खनी सेन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, रेडी मींस जो हम घर के डेली वेयर पहनते हैं ना। और आज आ रहे हैं बुआसा, इनके 3 बुआसा हैं, तो जो छोटे वाले 2 बुआसा हैं ना वो आ रहे हैं, तो बस मैं इसलिए रेडी हूँ, आधे आधे घंटे में शायद आ जाएंगे। बच्चों को खिला खिला के फ्री हुए हैं, बच्चों में भाई इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना एक को खिलाने में, मतलब तो एक को खिलाने में मैं पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो और शाम को मार्केट भी जाना है तो, क्योंकि बुआसा आ रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली जब बहन बेटी आते हैं ना, तो मेरा तो मानना है कि या तो 2 तो अच्छी चीज़ दो, या तो 2 ही मत। तो घर में ऐसे तो बहुत सारे बेस हैं, बट कोई अच्छा से देने लायक नहीं कि भाई बुआ सा इतने टाइम बाद आए हैं। तो हर कोई बहन बेटी आती है पियर तो उसका मन करता है कि कुछ अच्छा मिले। हालांकि जब हम बहन बेटी जाते तो हम इस इच्छा से किसी के पास नहीं जाते कि भाई हमें ये दो वो दो, है ना, जो मन से देते हैं वो ले लेते हैं। बट खुद का भी मेरा मम्मी का, हम दोनों का मानना है कि दो ढंग का दो, तो इसलिए मुझे मार्केट भी जाना है, बुआ सा आ जाए, उसके बाद फिर मैं झोटवाड़ा भी जाना है, उनके लिए अच्छा सा बेस लेके आऊंगी दोनों बुआ सा के लिए, तो मार्केट में जाएंगे। और संजू बना का फोन आ रहा है तो मैं नीचे जाती हूँ, शायद दोनों बच्चे क्या सो रहे थे, उड़ गए होंगे। ये रे रिद्धू अपनी दादसा की गोद में, और ये मेरा रुद्रा, इनको यहाँ दरी बिछा के हमने बैठा रखा है। गब्बू देखो क्या मस्त सो रहा है, जिंदगी हो तो गब्बू जैसी हो आराम से मस्त खाता है पीता है, सोने का, खाने का, पीने का, सोने का, ऐश करने का कोई टेंशन नहीं। और रुद्धू इसको भी कोई टेंशन नहीं है, रुद्धू देखो ये हाथी राजा। गब्बू उठ गया पर मेरे रुद्रू ने इधर नहीं देखा, ये गब्बू की गलती है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ यहाँ देख ले भाई, इतना भाव क्या खा रहा है तू, सुंदर सुंदर लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है रुद्रू। तू 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 आज ना मेरी मम्मी, तो हमारे रिद्धू ना सुबह से थोड़ी गर्म हो रही है, तो इसको भी पैरासीटामोल सस्पेंशन दिया है, वो लिक्विड पिलाया, पता नहीं वो जुकाम वगैरह भी नहीं है इसको, पता नहीं सुबह से ना हल्का हल्का शरीर गर्म हो रहा है और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो रही है। इसके दांत वांत तो नहीं आ रहे मम्मी कहीं देखो, बिल्कुल। और मेरी दीदी का एक और चीज है आजकल ना, मतलब ये मेरे पे गई है थोड़ा, कि जैसे जब मैं रोती हूँ मेरे को खांसी आती है, सेम इसके साथ भी वही सीन है, जब ये रोती है ना तो इसको भी खांसी आती है मेरी तरह, और बस मेरे को वॉमिटिंग नहीं आती, ये रोती है ना तो ये वॉमिटिंग करती है। पता है कल भी ना, मतलब कोई गेस्ट ही आए थे मेरे घर में, रवि भी साथ में आया था, तो उनको देख के इतना रोई कि इसको वॉमिटिंग आ गया। आजकल ये जब भी रोती है ना इसलिए हम इसको रोने नहीं देते। अभी भी बोले कि भुआ सा आए ना तो उसको गोदी में ही रखना, क्योंकि एक बार तो ना अनसहनापन रुद्र नहीं करता। यदि एक बार रोती है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को एक बार देख के रोएगी, तो हम कोशिश करेंगे ये रोए ना, क्योंकि इसने जितना भी कुछ खा रखा फिर ये निकाल देगी। नहीं आ रहे दांत, मम्मी चेक करें कहीं दांत तो नहीं आ रही इस वजह से, तो ऐसे भाई चिड़चिड़ी हो रही है, गर्म हो रहा है शरीर। वैसे इनके दांत क्यों नहीं आए अभी तक,
हमारा रुद्र पोटी कर रहा है, मेरी टिन्नू, मेरे पास बेटा है, मेरा बेटा। और नहीं, और आज इन दोनों के चक्कर में पता है हम लोगों ने मतलब लंच भी नहीं बना हमारा, क्योंकि ये दोनों सुबह से ये चिड़चिड़ी हो रखी है, इनको खिलाने में इतना टाइम लग गया, तो ये भी बेजड़ की रोटी लेने गए थे, तो बाहर से लेके आए खाना। हाँ लेकर भी आ गए, लेकर भी आ गए बेजड़ की रोटी। बेजड़ की रोटी आलू प्याज की सब्जी यहाँ की फेमस है, मतलब राजस्थानी बनती है। बेजड़ की रोटी मतलब मेसी रोटी भी कहते हैं ना, जो मल्टीग्रेन रोटी होती है। तो ये ले आई है बेजड़ की रोटी, इसे मल्टीग्रेन मेसी रोटी भी कहते हैं। एक रोटी बहुत एक आदमी, आलू प्याज की सब्जी, पनीर भी है कमाल, खाली प्याज की। हाँ आलू प्याज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और बुआ से वो आ चुके हैं, बुआ से हमसे मिलके, हमारे जो काकी से है ना बैक साइड में रहते हैं, तो काकी सर के घर गए, वो उनसे मिलने, तो तब तक घर में उनके लिए बेस लेने जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि वो ढंग का है नहीं घर पे, तो मम्मी बोले फटाफट लेके आ जा, तब तक वो ऐसा उनके घर पे गए हैं, तो इसीलिए मैं हम ड्रेस लेने आए हैं। जोड़पड़ा जा रहे हैं हम लोग, तीन दिन हो गए लगातार जोड़पड़ा जाते हैं, जोड़पड़ा भी सोच रहे हैं, बोला रुद्र सो रहा था इसको लेके, क्योंकि रिद्धि की तबीयत ऐसी है हल्की सी मतलब ठीक नहीं है, तो मैं रुद्र को ले आई। मैं अभी शॉप पे आई थी, आज मैं शोभा जीजा की शॉप पे आई हूँ ड्रेस लेने बुआसा के लिए, और मैंने तीन सूट लिए हैं, घर जाके दिखाऊंगी, अभी लेट हो रही हूँ, घर जाके दिखा दूंगी। जीजा तो मिले नहीं, उनके मासी सा मिले। ये रुद्र खेल रहा, रुद्र कहाँ गया, देख रहा है, देख रहा है कहाँ गया। हाँ ये रोता नहीं, रिद्धि रोती है, इसलिए उसको लेके नहीं आई, मैं घर पे ही है, वो बस वो ऐसा आना जाए, इसलिए हम फटाफट जा रहे हैं। कितने हो बना? अच्छा मैं फोन पे कर देती हूँ ना। मैं मार्केट से आ गई, और ये दोनों देखो सिपर के ऊपर लड़ रहे हैं। रुद्र इसको पीता ना तो छोड़ता ही नहीं है, वृद्धि भी ले रही है, ये भी ले रहा है, दोनों, और ऐसा है मेरे पास एक और, अभी मैं दूसरा भी लाके रख दूंगी ना तो भी एक के ऊपर लड़ते हैं, ये दोनों की आदत है। हाँ रुद्र को पीना भी आता है, वृद्धि नहीं पीती, रुद्र पी लेता है। मम्मी सब इसको लेटाओ तब आएगा, इसके मुँह में ऐसे कैसे आएगा, ऊंचा करना आता नहीं इसको। हाँ इधर लेटा, अभी एक बार तो रोएगा, अब लेगा, छोड़ दो, वो देखो वो चढ़ रही है, वो ले लिया, वो गया, इसे गुस्सा आ रहा है, मेरे को नहीं दिया, नहीं नहीं मैं बेटी को बेटी कर देगी, बेटी बेटी। हाँ गुस्सा आता है इसको बहुत भयंकर, रिद्धि को पूरे पॉकेट ले लो, अच्छा कौन गुच्छा करता है। हाँ भाई तो मैं आपको सूट दिखा देती हूँ फटाफट, मैं तीन सूट लेके आई हूँ, भव्या भाई, शोभा भाई साहब देख लो, शोभा जी कितना डेडिकेशन है हमारा आपकी शॉप के प्रति। अच्छा एक सूट तो मैंने ये लिया है, ठीक है, और दो ये सूट लेके आई हूँ भुआसा के लिए, अभी भुआसा है ना, तो हमारे भुआसाओं को, हमारे भुआसा में मेन है कि दोनों को मतलब सेम चीज चाहिए होती है, सिमिलर ही है ना, तो इसलिए हमेशा हम सेम चीजें लेके आते हैं, वरना फिर बात बिगड़ सकती है। तो दोनों भुआसा के लिए मैं सेम सूट लेके, बहुत प्यारा है, कॉटन का है ये 4 मीटर, और उसके ऊपर आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मागे घर का मान आया, बुआईसा भी चाड़ा और सबू छोटा वाला, तो ए मारा बुआईसा आया, बगड़ी हूँ आज सुबह ही आया, वापस जा रहे हैं, इतनी जल्दी जा रहे हैं क्यों भाई, ए रोक रहे कौन की, बोला बुआ सा रुक ही नहीं रहे, क्यों भाई नहीं बेटा, जरूरी काम है, बार ये रही, आप खाना खाना, ये रही।
एंड टू एंड अरे पोपो सब भी ने दे तो दिया फाड़ दे ली बा वो अभी मोह माया से दूर है वो मस्त सो रहा है वो ठीक है भाई साहब आना बहुत सारा है बेटा जरूर मैं भी आऊंगा भाई साहब जल्दी हां जरूर अच्छा जो बोतल पानी की भरी भरदी मैं अंदर भी रख दी ई ले ली दो रिद्धु ओए रिद्धु चल एक कॉपी मैं भी दे दूं फूल बाप रे बाय कर तो बाय कर तो बाय बाय तू बाय कर वो बेचर को बाय बाय